नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज फिर से हम बाइनोमियल थ्योरम का एक नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो है, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है भाई, है ना, चाहे हिंदी मीडियम से हो वो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है, इसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं है, और लैंग्वेज नहीं है तो बाइनोमियल थ्योरम को सिर्फ द्विपद पर में बोलते हैं, बाकी सब कुछ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेम रहता है। ठीक है, चलो। हमें कहा गया है कि a प्लस बी की पावर 4, ठीक है, a प्लस बी की पावर 4, a माइनस बी की पावर 4, ये हमें दिया गया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? बाइनोमियल थ्योरम से। अब देखो, बाइनोमियल थ्योरम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर a प्लस बी और उसकी पावर n है, a प्लस बी उसकी पावर n है, तो n c 0, a की पावर 0, b की पावर n। उल्टा भी लिख सकते हो, b की पावर 0, a की पावर n, गलत नहीं होगा। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ, अगर आपने उल्टा लिख दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब लास्ट में n c n लिखोगे तो उसमें उल्टा आने वाला है, और n c 0 और n c n की वैल्यू सेम रहती है भाई। ठीक है, फिर प्लस n c 1, a की पावर 1, b की पावर n, यानी ज़्यादा पावर में से एक पावर कम करनी है, और जिसमें पावर कम है उसमें एक पावर बढ़ानी है। ऐसा चलता जाएगा, और कहाँ तक चलेगा? n c n, a की पावर n, b की पावर 0। देखो उल्टा हो गया, a की पावर 0 था वहाँ लास्ट में a की पावर n हो गया, b की पावर n था वहाँ लास्ट में b की पावर 0 हो गया। इसकी वैल्यू 1 होती है, और n c n की वैल्यू भी क्या होती है? 1। इसलिए उल्टा लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप उल्टा सुल्टा लिख सकते हो भाई। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी की पावर 4, फिर माइनस a माइनस बी की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें हमें एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है, वो इसका भी होगा और वो इसका भी होगा, यानी प्रसार दोनों का होगा भाई। इसका प्रसार करेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर इसका प्रसार करेंगे। याद रखना, इसमें a की जगह a लिखना है, b की जगह b लिखना है, सिर्फ n की जगह आपको 4 लिखना है। कितना लिखना है? 4 लिखना है। तो देखो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया n c 0, a की पावर 0, b की पावर 4। तो यहाँ n की जगह भी मैं कितना लिख दूंगा भाई? देखो, a की जगह a है, b की जगह b है, लेकिन n की जगह तो 4 है ना, तो n की जगह 4, तो 4 c 0, a की पावर 0, b की पावर 4। आगे चलो, फिर क्या आ जाएगा? 4 c 1, तो a की पावर 1 और b की पावर 3। इसकी पावर एक बढ़ेगी तो इसकी एक पावर कम होगी। आगे चलोगे तो 4c2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो इसकी पावर एक बढ़ गई, इसकी एक पावर कम हो गई। आगे चलोगे तो 4c3, ए की पावर क्यूब, तो बी की पावर 1, इसकी पावर बढ़ गई तो इसकी पावर कम हो गई। लास्ट में क्या आ जाएगा? 4c4, a की पावर 4, b की पावर 0। सर किसका प्रसार किया है? a प्लस b की पावर 4 का प्रसार किया है सर, ये आ गया आपके पास। बीच में माइनस है, लो माइनस लगा दिया। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, इसमें और इसमें अंतर क्या है? सर कोई अंतर नहीं है, इधर भी a है, इधर भी a है, इधर भी है, इधर भी है, इधर पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है, लेकिन अंतर यहाँ है, यहाँ प्लस का बी है और यहाँ माइनस का बी है, यानी प्रसार बिल्कुल सेम रहेगा। प्रसार तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें इसके लिए भी यही आएगा, लेकिन अंतर ये रहेगा कि जहाँ पे आपने बी लिख रखा है ना,
उसकी जगह सिर्फ माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस बी। देख लो भाई, इसका प्रसार करने पर ये आया, तो ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, पावर भी सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है। तो इसके अंदर जो प्लस बी है, इसकी जगह माइनस बी की पावर 4, माइनस बी की पावर 3, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी की पावर 1, माइनस बी की पावर 0, सिर्फ ये अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा भाई। चलो, बाहर माइनस होने के कारण मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 4c0। अब देखो, इसका प्रसार तो ये आया, अब इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया, 4c0 a की पावर 0, लेकिन b की जगह माइनस बी आएगा भाई, माइनस बी की पावर 4। यहाँ मैं ये ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, छोटा ब्रैकेट मैं अंदर यूज कर रहा हूँ भाई, प्लस 4c1 a की पावर 1 माइनस बी की पावर 3। ले लो भाई, माइनस बी लिख दिया, सिर्फ बी की जगह माइनस बी लिखना है, बाकी ऊपर का बिल्कुल सेम रहने वाला। फिर प्लस 4c2 a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर प्लस 4c3 a क्यूब माइनस बी, फिर प्लस 4c4 a की पावर 4 माइनस बी की पावर 0। भाई इसका प्रसार करने पर ऊपर की लाइन आई थी, लेकिन इसका भी प्रसार करना है, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया, लेकिन इसका प्रसार करोगे तो प्लस बी की जगह सिर्फ माइनस बी था, प्रसार बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे लगा दिया मैंने ब्रैकेट, देखते हैं सर क्या आया हमारे पास। देख लो भाई क्या आया, 4c0 की वैल्यू 1, a की पावर 0 की वैल्यू 1, तो b की पावर 4 ही तो बचेगा, तो लिखो सर b की पावर 4, फिर प्लस 4c1, यहाँ 1 आ गया, तो जो पावर में है, जो ऊपर है, वही उसकी वैल्यू होगी, सर इसकी वैल्यू आ गई 4, a b क्यूब, a की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्लस 4c2, कल भी हमने वैल्यू निकाली थी, 4c2 की वैल्यू आती है 6, कितनी आती है भाई 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस 4c3, देखो इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, इसकी वैल्यू पीछे से कोई तीसरा पार्ट है ही नहीं, तो बताओ जब इसकी वैल्यू 4 थी तो इसकी वैल्यू 4 आने वाली है, यानी 4 a क्यूब b प्लस इसकी वैल्यू 1 a की पावर 4। ऊपर का प्रसार हो गया, बाहर माइनस है, ध्यान रखना बाहर क्या है, माइनस, तो बाहर माइनस फिर ब्रैकेट, इसकी वैल्यू वन बी की पावर फोर और माइनस की पावर 4 करोगे तो प्लस ही आने वाला है, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस, माइनस की पावर ओड नंबर तो माइनस, सम संख्या तो प्लस, विषम संख्या तो माइनस, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, फिर प्लस ये हो गया, यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू 4, a की पावर 1 की वैल्यू a, माइनस की पावर क्यूब, माइनस की पावर ओड नंबर, तो सर बाहर माइनस आने वाला, लो भाई माइनस b की पावर क्यूब, ये हो गया b क्यूब, फिर प्लस 4c2 की वैल्यू 6, a स्क्वायर, लो a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लो भाई b स्क्वायर, 4c3 इसकी वैल्यू आ गई 4, a क्यूब
माइनस बी है तो माइनस आगे आ जाएगा, यानी माइनस बी हो गया। अब ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है भाई, गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए। फिर प्लस, फिर प्लस, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, ए की पावर फोर, लो भाई ए की पावर फोर, ये ब्रैकेट लगा दिया। आगे एक स्टेप और देखो, बी की पावर फोर है, फोर ए बी क्यूब है, प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फोर ए क्यूब बी, प्लस ए की पावर। अब ध्यान देना, ये तो ऊपर की लाइन लिखी है भाई मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब नीचे की लाइन पे ध्यान देना, यहाँ माइनस है तो ये माइनस इससे भी गुणा होगा, 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 यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस अंदर की सभी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, और जब अंदर की सभी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो उसका चिन्ह बदल देगा भाई, प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा, ये तो हमने पढ़ रखा है, क्योंकि माइनस चिन्ह बदल देता है। चलो भाई, तो माइनस बी, देखो बी की पावर चार प्लस है लेकिन बाहर माइनस से गुना होने के कारण माइनस बी की पावर चार, इसका भी चिन्ह बदल देगा, ये माइनस है तो ये प्लस का फोर ए बी क्यूब होने वाला है, इसका भी चिन्ह बदल देगा यानी ये माइनस का सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर होने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस का फोर ए क्यूब बी, और ये प्लस का है तो ये माइनस ए की पावर फोर। इसका प्रसार करने पर यहां से लेकर यहां तक आया, बीच में माइनस था माइनस, इसका प्रसार करने पर यहां से लेकर यहां तक आया, अंतर इतना था ऊपर और नीचे में कि इधर ऊपर प्लस बी था, इधर माइनस बी था, तो बी की जगह सिर्फ माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी आया। इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, ये बच गया, यहाँ से ये आ गया, ये लाइन आ गई ऊपर की, नीचे की लाइन देखो बाहर माइनस है, ये रही, ऊपर की लाइन सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया मैंने, एक की पावर फोर तक, ये बाहर माइनस है तो अंदर की संख्या का चिन्ह बदल देगा, ये जो अंदर की संख्या थी जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। अब ये देखना है कि क्या कोई वैल्यू कट रही है तो काट दो, कोई वैल्यू नहीं कट रही है तो रहने दो, देखते हैं क्या कोई वैल्यू कटी जाए भाई। b की पावर 4 प्लस माइनस b की पावर 4, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस करो कैंसिल, और देखो 4ab क्यूब, 4ab क्यूब दोनों प्लस के हैं, 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का, 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का, सर ये भी कट गया, 4a क्यूब b प्लस का, 4a क्यूब b प्लस का, यानी ये प्लस का है, नहीं कटने वाले हैं, तो क्या बचा आपके पास। अब ध्यान देना, ए बी क्यूब, चार ए बी क्यूब, ए बी क्यूब चार ये रहे और चार ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 8 ए बी क्यूब, फिर प्लस ए क्यूब बी कितने हैं, चार, ए क्यूब बी कितने हैं, चार, तो चार वो और चार ये, तो टोटल आठ यहाँ पे हो गए, आठ ए क्यूब बी। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, सर आठ इसमें भी है, आठ इसमें भी है, सर एक तो आठ आ जाएगा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, सर ए कॉमन आ जाएगा, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सर बी को मना जाएगा, तो अंदर क्या बचा, आठ बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, बी क्यूब में से ओनली बी कॉमन लिया है तो बी स्क्वायर बचने वाला है, सर यहां से बच गया बी स्क्वायर, आठ बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, ए क्यूब के अंदर से केवल ए हमने कॉमन लिया है तो ए की पावर दो अंदर रह जाएगी, यानी ए स्क्वायर रह जाएगा भाई, यही इसका आंसर है भाई, ये इसका क्या है, आंसर है।
आशा करता हूँ कि भाई समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना, क्योंकि मैं दो बार अगर समझाऊंगा तो वीडियो लेंथ ही बन जाएगा, फिर से रिपीट। आपको वीडियो एक ही जगह सिर्फ दो बार देखना है, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ। बाकी इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर रखा है, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है। क्या क्वेश्चन है वो भी समझना। एक क्वेश्चन और इसी में ऐड कर रखा है, क्या ऐड किया है समझना भाई, देखना। ए प्लस बी की पावर 4, बीच में माइनस, ए माइनस बी इसकी पावर 4। जब आपने इसका मान निकाला, जब इसकी वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू क्या आई? सर इसकी वैल्यू आई है 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यही तो वैल्यू आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें नया क्वेश्चन देखो क्या है, बुक में मैं देख लेता हूँ आगे क्या क्वेश्चन दे रखा था। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इसका विस्तार कीजिए, यानी इसको प्रसार करना है। कर दिया, आंसर आ गया। इसका प्रयोग करके, यानी जो ये आया है ना, इसका प्रयोग करके, इसको यूज करके, इसको यूज करके एक क्वेश्चन और दिया है, रूट टू रूट थ्री प्लस रूट टू इसकी पावर 4 माइनस में रूट थ्री माइनस रूट टू इसकी पावर में 4। ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई इसका यूज करके, यानी इसको हमें यूज करना है, क्या करना है, यूज करना है, इसको यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। सर कैसे यूज करें हमें तो पता ही नहीं, अभी पता लग जाएगा। समझो, इसकी पावर 4, सही है सर, इसकी पावर भी 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर भी 4, सर पावर सेम है दोनों, बीच में माइनस, सर इधर भी माइनस, बिल्कुल सही है, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अंतर क्या, यहाँ a, लेकिन यहाँ a की जगह रूट थ्री लिख दिया, a की जगह क्या लिखा हुआ है, रूट थ्री। b, यहाँ b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह रूट दो, a की जगह रूट तीन, b की जगह रूट दो, यानी ये और ये बिल्कुल चिन्ह सब कुछ सेम है, पावर सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर आया तो सिर्फ एक जगह आया है कि सर ए की जगह रूट तीन लिख दिया, बी की जगह रूट दो लिख दिया, यही तो लिखा है। देखो ए की जगह क्या लिख दिया इसने, रूट तीन, बी की जगह इसने क्या लिख दिया, रूट दो, यही तो अंतर है भाई, इसके अंदर रख दो, रखो यहाँ एट, लो भाई एट, ए बताओ ए की जगह क्या लिख दूँ, रूट तीन, ए की जगह लिख दो रूट तीन, बी बी की जगह क्या लिख दूं, रूट दो, रूट दो, ए स्क्वायर रूट तीन का स्क्वायर, रूट तीन का स्क्वायर, फिर प्लस रूट दो का स्क्वायर भाई। भाई भाई है ना, बंद कर दो, बैठो भाई दो मिनट रुक जाओ, बस ये क्वेश्चन करा दो सर, है ना। ए रूट तीन, बी रूट दो, सिर्फ हमें ए की जगह रूट तीन लिखना है, बी की जगह रूट दो लिखना है, तो देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ हो गया 8, रूट तीन और रूट दो, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे, देखो अंडर रूट के अंदर संख्या है, अंडर रूट तीन है, अंडर रूट दो है, मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्या है तो मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 × 2, भाई दोनों के अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, हमने पढ़ रखा है सर। अब ये कहोगे सर हमने तो ना पढ़ रखा,
मेरे भाई ना पढ़ रखा तो क्लास नंबर 6 में जाओ, क्लास नंबर 5 में जाओ, वहाँ एक बार फिर पढ़ लो, ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। तो ये आ गया अंडर रूट 6। लो सर, इनका मल्टीप्लाई करने पर सर अंडर रूट 6 आया। बहुत बढ़िया सर, आगे अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आते हैं तो कट जाते हैं, बस इतना पढ़ा है कट जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा सर कटते क्यों हैं। सीख लो, अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर। देखो 3, अंडर रूट का मतलब हमें पता है कि सर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या होता है? पावर 1/2। तो ये हो गया पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। भाई अंडर 3 है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, उसका भी स्क्वायर है, तो ये कट गया, सिर्फ आपके पास क्या बच गया? 3 बच गया। कितना बच गया? 3। इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट यदि साथ आ जाएं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, प्लस अंडर रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, 2 आ गया। सर 3 और 2 5, 5 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, 8 × 5 = 40। 8 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 40 अंडर रूट 6, और यही आपका आंसर है। ओके, आया समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, आएगा कहाँ जाएगा भाई, समझ में तो आना पड़ेगा। बस इतना याद रखना कि इसकी वैल्यू निकाल के, इन दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है, यहाँ ए और बी लिख दिया, अब इसने ए बी की जगह वैल्यू रख दी, ए की जगह √3 रख दिया, बी की जगह √2 रख दिया, बाकी तो कोई अंतर है ही नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखो भाई। चलो इसको तो रहने दो भाई, ये तो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। सर एक क्वेश्चन और बता दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 1 की पावर 6, फिर इसके अंदर है x − 1 की पावर 6। सिर्फ देखो जो पिछला क्वेश्चन क्या था, सेम वैसा ही है, अंतर क्या है? वहाँ a + b, a − b दे रखा था, उसमें पावर 4 थी, इसमें पावर 6 आ गई। चलो फटाफट कर देते हैं इनको। तो जब इसका प्रसार करोगे आप, तो देखो nc0, n का मतलब है 6, 6c0, x की पावर 0, 1 की पावर 6। देखो a की जगह x लिखा गया है, b की जगह 1 लिखा गया है, तो इसमें n की जगह 6 लिखूंगा, a की जगह x लिखूंगा, b की जगह 1 लिखूंगा, भाई यही तो अंतर है। अरे वैल्यू ही तो चेंज हो रही है, बाकी फॉर्मूला सेम है मेरे भाई, a b और n यही चेंज होगा भाई। चलो फिर प्लस 6c1, x की पावर 1, 1 की पावर 5, फिर 6c2, x की पावर 2, 1 की पावर 4, 6c3, x की पावर 3, 1 की पावर 3, फिर 6c4, x की पावर 3, यानी 4, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस इधर कर देता हूँ भाई, नहीं आया तो फिर आ जाएगा 6c5, x की पावर 5, 1 की पावर 1, फिर आ जाएगा 6c6, x की पावर 6, 1 की पावर 0। प्रसार करना सबको आता है, नहीं आता है तो पीछे की वीडियो एक बार फिर से देखो। यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ a की जगह x लिखना है, b की जगह 1 लिखना है, n की जगह 6 लिखना है। 6c0 स्टार्ट करोगे कहाँ तक? 6c6 तक पहुँच जाओगे। ये सिर्फ इसका प्रसार हुआ है, जो ये है ना, ये सिर्फ इसका प्रसार हुआ है,
बीच में प्लस है, बीच में प्लस ही है ना यहाँ, हाँ बीच में प्लस है, देखो बीच में प्लस है, प्लस क्योंकि बीच में प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है सर। क्यों? क्योंकि माइनस आता है तो माइनस तो अंदर की संख्या का चिन्ह बदल देता है, लेकिन प्लस करता है क्या ऐसा? प्लस नहीं करता भाई, प्लस जैसा चिन्ह है वैसा ही रहने देता है, इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर देखो, ये और ये सेम है, पावर भी सेम है, ए की वैल्यू भी सेम है, सिर्फ बी की वैल्यू यहाँ प्लस वन था, यहाँ बी की वैल्यू माइनस वन है। क्या है? माइनस वन है। तो देखो माइनस वन है तो जो एक है ना, जो आपने इतना लिखा है पूरा दोबारा से लिखना है क्योंकि सेम, लेकिन अंतर क्या है कि जो एक है ना उसकी जगह माइनस एक लिखना है, एक की जगह क्या लिखना है? माइनस एक लिखो। 6c 0, x की पावर 0, माइनस एक की पावर 6। देखो इसके अंदर एक की जगह माइनस एक लिखा है, इसके अंदर भी ऐसा ही लिखो, प्लस में 6c 1, x की पावर 1, माइनस एक की पावर 5। इसमें भी लिखो ऐसा ही, 6c 2, x स्क्वायर, माइनस एक की पावर 4। आगे लिखो फिर प्लस में 6c 3, x की पावर 3, माइनस 1 की पावर, यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 3। फिर प्लस में 6c 4, x की पावर 4, तो माइनस 1 की पावर 2। फिर प्लस में 6c 5, तो x की पावर 5, तो माइनस 1 की पावर 1। फिर प्लस 6c 6, x की पावर 6, तो माइनस 1 की पावर 0। लो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम ही लिखा है, बस अंतर इतना लिखा है कि इसके अंदर माइनस वन था तो एक की जगह माइनस एक लिखा है, आगे बिल्कुल टोटली रिपीट किया है मैंने। सर आगे लो, आगे तो आपका आंसर ही आने वाला है, समझो 6c 0, नीचे 0 है तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और एक की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 1। प्लस 6c 1, इसकी वैल्यू आ गई सर 6। चलो भाई 6 आ गई तो आगे देख लो, x की पावर 1 यानी x, एक की पावर 5 का मतलब सर एक ही आने वाला है, मल्टीप्लाई में एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6c 2, 4 फैक्टोरियल कट गया, 5 और 6 बच गया, 3 × 5 = 15, यानी कितना आ गया आप निकाल के देख लेना फॉर्मूले से, इसकी वैल्यू आ गई 15। एक्स स्क्वायर, एक की पावर 4, एक आएगा मत लिखो छोड़ो, चलो 3 फैक्टोरियल तो कट गया, बच गया 4, 5, 6, 20 आ गया, 20 देखो इसकी वैल्यू आई है 20। एक्स क्यूब प्लस, अच्छा रिपीट भी तो देखो, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इसकी वैल्यू सेम रहेगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 15, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 15, क्योंकि आगे से और पीछे से समान अंक पर जो गुणांक होते हैं वो समान होते हैं, पहले आगे से पहला तो लास्ट का पहला, आगे से दूसरा तो पीछे से दूसरा का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 15। x की पावर 4, तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने x की पावर 4, एक की पावर 2, एक की पावर कितनी भी हो एक आने वाली है। फिर प्लस 6c 5, तो इसकी वैल्यू देखो और इसकी वैल्यू सेम आएगी सर 6, x की पावर 5, एक की पावर एक लिखने की, 6c 1, इसकी वैल्यू वन, x की पावर 6। अब ध्यान देना, अब बदलेगा, इसकी वैल्यू वन, माइनस की पावर सम संख्या है तो प्लस आने वाला है, यानी प्लस वन हो गया। लो भाई प्लस वन,
इसकी वैल्यू 6 आने वाली है, हमें पता है सर 6 आएगी, एक्स भी आएगा, लेकिन माइनस की पावर 5 विषम संख्या आ गई तो माइनस आने वाला है। क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। आगे देखो 6c2, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 15 आने वाली है, ये लो सर 15, एक्स स्क्वायर माइनस की पावर सम संख्या तो प्लस आएगा, आवश्यकता नहीं है। चलो इधर चलो, फिर प्लस 6c3, इसकी वैल्यू 20, x³, लेकिन देखो माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस आने वाला है, सर ये माइनस का कर दो। फिर प्लस, ये प्लस 6c4 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? देखो भाई 20 था आगे से और पीछे का, देखो 6c4 ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? देखो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ से पांचवा देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी यहाँ पे 15 आया था तो यहाँ पे भी 15 आएगा, यानी ये हो गया 15। x की पावर 4 है, लो भाई x की पावर 4। अब देखो माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस की पावर सम संख्या है तो प्लस आने वाला है, तो प्लस है ये, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी भाई 6 आएगी, हमें पता है x की पावर 5 है, x की पावर 5, लेकिन यहाँ माइनस की पावर विषम संख्या, इसका मतलब माइनस आएगा तो ये माइनस का हो गया, इसकी वैल्यू पता है 1 आएगी, 1, इसकी वैल्यू 1, तो x की पावर 6। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से अवयव कट गए, उनको काट दो। प्लस का 1 है, माइनस का 1 कहीं नहीं है, हटाओ। प्लस का 6x, ये माइनस का 6x, ये कैंसिल हो गया भाई। 15x² प्लस का है, ये भी प्लस का है। 20x³, देखो ये प्लस का है x³, ये माइनस का रहा, इसको भी कैंसिल करो। 15x⁴ प्लस, ये भी ठीक है भाई। ये देखो 6x⁵, 1 प्लस का 1 माइनस का, ये भी कट गया। इसके अलावा x⁶ है, यहाँ पे भी x⁶ है। जो बच गया वो हम यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्या बच गया, x⁶, इस पे ध्यान देना, x⁶, तो टोटल कितना हो गया, 2x⁶, 15x⁴, देखो इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, तो 15x⁴, 15x⁴, तो प्लस में हो गया 30x⁴। स्क्वायर देखो 15x² तो प्लस में कितना हो गया, 30x² प्लस का 1, प्लस का 1, तो कितना हो गया, प्लस का 2। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप 2 कॉमन लो, सब में 2 कॉमन आ रहा है, x⁶, फिर प्लस 15x⁴, फिर प्लस 15x², फिर प्लस 1। देखो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब इसके अंदर एक ही क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है उस पर और ध्यान देना। देखो क्या आने वाला है, समझ लो, हमने इसको सोल्व किया तो x+1 इसकी पावर 6, फिर प्लस x-1 इसकी पावर 6, इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2x⁶ प्लस 15x⁴ प्लस 15x² और प्लस 1। अरे यही तो आया था। अब इसी में एक नया क्वेश्चन जोड़ दिया कि आपको इसकी सहायता से अंडर रूट 2+1 की पावर 6 प्लस अंडर रूट 2-1 की पावर 6 = जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही हमें यहाँ करना है। क्या, देखो प्लस प्लस
माइनस माइनस एक 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 पावर छः, इधर पावर छः, इधर पावर छः, इधर पावर छः। अंतर सिर्फ इतना हुआ कि सर सिर्फ x की जगह रूट दो लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, रूट दो लिखना है। इसके अंदर यदि x की जगह रूट दो लिख देंगे तो हमारा आंसर आने वाला है टू, अंडर रूट टू की पावर छः, अंडर रूट टू इसकी पावर छः प्लस 15, अंडर रूट टू उसकी पावर चार प्लस 15, अंडर रूट टू इसका स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर क्या आएगा ये आपको करना है, याद रखना अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। एक स्टेप और बता देता हूँ, बाकी आपको करना है। फिर क्या आया, 1/2 का मतलब है कि ये पावर कट जाएगी 2 की पावर 3 पावर, 15 2 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 और 1/2 से 4 काटोगे तो 2 आएगा प्लस 15 × 2 + 1। इसका मान निकाल लेना, जो इसका मान आएगा वही हमारा आंसर। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।